रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की चार बड़ी खबरों का। रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या ने सबको दहला दिया है। बेटे ने ही मां बाप समेत 4 लोगों को बेरहमी से मार डाला। पिता के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी नशा करता है और घर वालों से पैसे मांगता था। घर वालों ने पैसे ना देने पर मना कर दिया, उसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पीड़ित परिवार पालम के राजनगर पार्ट 2 में रहता था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, दिल्ली से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। बेटे ने ही मां बाप समेत 4 लोगों को बेरहमी से मार डाला है। क्या कुछ पूरा मामला है? जी मयूरी, ये मामला जो है दिल्ली के वेस्ट जिले के पालम इलाके की घटना है। ये जो दिल दहलाने का जो मामला है वो पालम इलाके के राजेंद्र पार्ट 2 के एक घर की बात है, जहाँ पे एक घर में 4 लोगों को उनके ही बेटे ने मौत के घाट उतार दिया है। ज़्यादा जानकारी में पता चला है कि पुलिस इसकी छानबीन भी कर रही है कि क्या कुछ मामला था। करीब रात 10 बजे की बात है, आसपास और पड़ोसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। इसके बाद आस पड़ोस लोग वहाँ जुटे और देखा कि उस परिवार के जो मुखिया हैं, यानी कि जो बेटा है उनका, जो जिसको आरोप लगा हुआ है, उनके पिता, उनके माँ, उनकी बेटे की जो है बहन जो है, और उसकी दादी की जो हत्या हो गई है इस मामले में। और उसके बाद पुलिस को करीब रात के 10 बजे सूचना इसके बारे में मिली। पुलिस घर पे गई और देखा कि हत्या करने के बाद जो है आरोपी फरार नहीं था, वहीं खड़ा हुआ था और वहीं पे जो मौजूद था। वो हत्या करने के बाद भागा नहीं। इसके बाद ही अगर ज़्यादा जानकारी की अगर बात करें तो अभी तक ये मामला निकल के आया है कि जो लड़का था, जो केशव नाम के लड़का बताया, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो नशे का आदि था और यहाँ पे नशे का आदि था और नशा मुक्ति केंद्र से अभी थोड़ी दिन पहले ही आया था। लत इतनी ज़्यादा लग गई थी उसको कि नशा मुक्ति केंद्र में उसे घर वाले ने भर्ती कराया था। वहाँ उसका ट्रीटमेंट हुआ था और अपना जो पीरियड है वो नशा मुक्ति केंद्र में जो पीरियड था, नशा छुड़वाने का जो पीरियड था, उसको पूरा करने के बाद घर पर आया था। ऐसी जानकारी आस पड़ोस के लोगों से मिल रही है कि वो लगातार जो है विवाद करता रहता था घर वालों से, नशे के लिए विवाद करता रहता था। घर वाले जब उसको बोलते थे नशा छोड़ने के लिए तो इस पर उनसे बहस होती थी। और ये जो वारदात हुई है ये नशे के विवाद के लिए हुई है। घर वाले से लगातार पैसों की मांग करता था नशे के लिए, जिसमें घर वालों ने पैसा देने से मना कर दिया था मयूरी, जिसके बाद उसने ये अपराध किए हैं। विवेक, बेटे ने माँ बाप समेत 4 लोगों को मौत के घाट उतारा है और अब बेटे की गिरफ्तारी भी हो गई, तो अब इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी, पुलिस ने अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान इस पूरे मामले पर नहीं दिया है। पुलिस जो है सूचना पा के रात के 10 बजे तक घटनास्थल पर पहुंची थी, वहां के शवों को बरामद किया था, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। वहीं आरोपी को पकड़कर पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। अभी उससे पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर आस पड़ोस के लोगों की अगर बात को माना जाए तो ये लड़का जो है नशे का काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो गया था। नशा मुक्ति केंद्र से अभी लौट के आया था और पैसे को डिमांड करता था नशे के लिए, जिसके वजह से लोगों ने, घर वालों ने पैसे देने से उसको मना कर दिया था, जिसके बाद उसने ये इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। अभी दिल्ली पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं है इस पर। दिल्ली पुलिस जो पोस्टमार्टम के बाद ही जो है वो आधिकारिक बयान देगी। 400 के पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली पुलिस ने भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली पुलिस अपना बयान जारी करेगी। मयूरी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी में देसी और विदेशी पूंजी निवेश के लिए सरकार का अनवरत प्रयास जरूरी है, लेकिन यह केवल खेती भूमि अधिग्रहण तथा चुनावी स्वार्थ तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। यूपी जैसे अति गरीबों के पिछड़े प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में वैसी ही तेज प्रति भी लोगों को
देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी की समग्र प्रगति, विकास और लोगों को रोजी रोटी के साथ उनकी सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए बसपा ने खास काम किया था। यमुना के साथ गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट भी तभी बन जाता अगर केंद्र की कांग्रेस सरकार ने सहयोग दिया होता। उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, कहा कि यूपी में बसपा सरकार में लोगों को रोजगार तथा बुनियादी सुविधाओं से युक्त नए पक्के मकान और भूमि आदि में भी फ्री में लाखों परिवारों को आवंटित किया गया था। पहले सपा अब भाजपा सरकार ने भी ऐसी प्रगति क्यों नहीं दिखाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुकेंगे संवाददाता गौरव का। गौरव, बीजेपी की विकास वाली नीति पे बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए मयूरी, बसपा सुप्रीमो मायावती समय समय पर ट्वीट करती रहती है, पर हम सक्रिय राजनीति की बात करें तो सक्रिय राजनीति फिलहाल अभी बहुजन समाज पार्टी तरफ से नजर नहीं आ रही है। समय समय ट्वीट करती है और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि समय उन्होंने ट्वीट करके सपा, भाजपा, कांग्रेस तीनों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बसपा सरकार थी, उन्होंने अपने बलबूते सब कुछ किया, जबकि उस समय कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और अगर कांग्रेस की सरकार सहयोग करती तो यमुना एक्सप्रेस के साथ साथ गंगा एक्सप्रेस वे और जेवर एयरपोर्ट बन जाता, इसके साथ साथ तमाम और परियोजनाएँ थी जो पूरी नहीं हो पाई थी बसपा सरकार में, जो कांग्रेस के कारण नहीं हो पाई। उनका कहना है कि सपा और भाजपा ये केवल ठगने की राजनीति कर रहे हैं और अगर ये बेहतर काम कर रहे होते, निवेश की बात करते हैं, ये बात करते हैं, अधिग्रहण की बात करते हैं, ये पूंजी व्यवस्थाओं की बात करते हैं, पर जब काम की बात आती है तो शायद ये व्यवस्था केवल खेती, अधिग्रहण और तमाम व्यवस्था तक सीमित रह जाती है। तो कहना है कि यहाँ पर भाजपा, सपा और कांग्रेस ने कोई भी काम नहीं किया है। बसपा ने अपने बलबूते काम किया था, केंद्र का कोई सहयोग भी नहीं मिला था, उसके बावजूद ऐसे कई इतिहास और कई आयाम प्रस्तुत किए थे प्रदेश सरकार के रहते हुए, तो निश्चित रूप से ये बेहतर उन्होंने प्रयास पता प्रयास किया है। पर मयूरी, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं, चाहे हम देश के मुद्दे बात करें, चाहे प्रदेश के मुद्दों की बात करें, बसपा सुप्रीमो के ट्वीट कम आते हैं। ट्वीट आते समय समय ट्वीट करती हैं, उसका कारण क्या है, सक्रिय नहीं रहती हैं, ट्वीट भी बहुत यारा करा कम आते हैं, बड़े बड़े मामले देश में हो जाते हैं, आपने देखा किस तरह से तमाम तरह की आपराधिक घटनाएँ हो रही हैं और जिस तरह से एक बड़ी घटना भी हाल में आपने दिल्ली में देखा था, तमाम मामले ऐसे होते पर ट्वीट नहीं आता है। बस इस तरह से राजनीतिक मंशाओं को देखते हैं ट्वीट किया जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं देख के ट्वीट किया जा रहा है कि निकाय चुनाव की सरगर्मियों को देख के यहाँ अपने आप की शुरुआत कर रही है सक्रिय राजनीति को उत्तर प्रदेश में दोबारा, ये अलग बात होगी। फिलहाल ये है कि इस ट्वीट के माध्यम से बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर निकाय चुनाव की जो राजनीति है वो गरमा दी है। गौरव, मायावती ने ट्वीट कर ये भी कहा कि जो विकास के कार्य हैं, फिर चाहे वो रोजगार को लेकर हो, तमाम चीजें हैं वो सिर्फ बसपा के सरकार में हुई है, वहीं सपा और भाजपा सरकार ने ऐसी प्रगति क्यों नहीं दिखाई है। जी बिल्कुल मयूरी, उन्होंने यहाँ कटाक्ष किया है, सपा, भाजपा, कांग्रेस तीनों को आड़े हाथ दिया है। उन्होंने कहा है कि विकास के कार्य नहीं, उन्होंने ये भी कहा और कुल मिलाकर उन्होंने जो अपने कार्यकाल की बात वो कर रही है कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने जो है 2007 से 2012 तक तब उन्होंने बेहतर काम किए हैं और 2007 से 12 तक की जो बसपा सरकार थी उसके कामों को उन्होंने गिनाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस समाज सहयोग करती तो तमाम जो बड़ी परियोजनाएं जो आज पूरी हो रही हैं वो बसपा सरकार में पूरी हो चुकी होती। तो निश्चित रूप में मयूरी, यहाँ पर उपचुनाव को देखते हुए या निकाय चुनाव को देखते हुए बसपा अब यानी कि चुनाव मोड पर आ गई है और सक्रिय राजनीति की शुरुआत यहाँ पर ट्वीट करके की जा रही है। वो भाई हो सकता है आने वाले समय में आम तरह के बयान भी आए, सम्मेलन भी आयोजित हों, जिसकी जैसा कि हमने देखा कि जब विधानसभा चुनाव 2022 थे तब सम्मेलन आयोजित किए जा रहे थे। फिलहाल अभी राजनीति यहाँ पर हुई है, ट्वीट किया गया है, अब आने वाले समय में और तरह के ट्वीट आएंगे। पर हमें उम्मीद ये भी रहती है कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो अपराध से जुड़ा हो चाहे विकास से जुड़ा हो, उन पर भी बसपा सुप्रीमो का ट्वीट आए तो शायद बेहतर एक यहाँ पर संदेश जाएगा आम जनता के बीच। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई आज बुधवार को होनी जा रही है। बता दें कि गैंगस्टर के तहत दर्ज मामले को लेकर 1 अरब 28 करोड़ की बेनामी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद की 1,28 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश डीएम ने दिया है। इसके साथ ही पुलिस अतीक अहमद की और कई संपत्तियों को भी कुर्क कर चुकी है। हवेलिया जगह है यहाँ पर, ये 13 बीघा की टोटल जमीन है जो कि अतीक अहमद के द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने परिवारजनों के नाम की गई थी। उसी को आइडेंटिफाई किया गया और उसी को यहाँ पर डीएम साहब के आदेश के बाद कुर्क किया जा रहा है। ये थाना धूमनगंज में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा इनके खिलाफ लिखा गया था, उसी में ये प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हुई थी और 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन पटेल हमसे जुड़ेंगे। पवन, अतीक अहमद पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, अब अतीक अहमद की 1,28 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। बिल्कुल मयूरी, जिस तरीके से लगातार संगम नगरी प्रयागराज में पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद पर लगातार पुलिस और पीडीए की टीम कार्रवाई कर रही है, अगर आज की बात की जाए तो आज अभी कुछ देर पहले प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और अभी तक की जो कार्रवाई वो सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। बताया जा रहा है कि 13 बीघा टोटल जमीन है और इस जमीन की जो अनुमानित कीमत है वो करीब 1,28 करोड़ रुपए बताई गई है। हालांकि अब किस तरीके से और भी कई जगहों पर जो जमीन है उनको चिन्हित किया जा रहा है और भी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक जितनी भी कार्रवाई अभी तक हुई है अतीक अहमद के ऊपर ये सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। और ये जूसी थाना क्षेत्र के हवेलिया में स्थित है जहाँ पे करीब 13 बीघे जमीन को पुलिस ने कुर्क किया है, ढोल नगाड़े के साथ वहां पे डुगडुगी बजाकर पूरी तरीके से वहां पे वैधानिक कार्रवाई की गई और पूरी जमीन को कुर्क किया गया है। जी मयूरी, पवन, पुलिस ने अतीक अहमद की और कई संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है, क्या आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? जी बिल्कुल, अगर अधिकारियों की माने तो लगातार अतीक के जो जितने भी उनके करीबी हैं या रिश्तेदार हैं उनके भी नाम खंगाले जा रहे हैं और इस पर पुलिस और राजस्व की टीम संयुक्त रूप से काम कर रही है। अगर आज की कार्रवाई की बात की जाए तो आज की कार्रवाई में भी पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम ने इस पूरे जिस जमीन को इसको उन्होंने जो है कहीं ना कहीं से ढूंढ निकाला है और यहाँ पे ये देखा गया है कि ये जो कमी जमीन है वो 400 करोड़ रुपए की जमीन है। तो कहा जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है ये आगे भी जारी रहेगी और लगातार जो योगी सरकार है वो माफियाओं पे कार्रवाई कर रही है और गैंगस्टर के तहत यहाँ पे अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई की गई है। तो ये जो कार्रवाई है वो अभी तक अतीक अहमद पर की गई कार्रवाई में सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही है और आगे भी आने वाले दिनों में पुलिस व राजस्व की टीम लगातार इन चीजों की जो है ढूंढ रही है कि उनके जहां भी जमीन होगी, जहां भी अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति है उनको कार्रवाई की जाएगी, उन पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। जी मयूरी, धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए। सरकार बच्चों के विकास के लिए उनकी पढ़ाई को लेकर दावे तो बड़े करती है और पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर चूक कहां हो जाती है? आपको बता दें, मामला रायबरेली के प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर दूता में जल भराव की समस्या से स्कूली बच्चे परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी आने जाने में काफी परेशानी होती है और वहां से गुजरने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इसकी कई बार शिकायत की जा चुकी है। विभाग इन समस्याओं का समाधान नहीं करा पा रहा है। अच्छा, जैसे जल भरा हो जाता है आपके सामने तो आने जाने में दिक्कत होती है? अच्छा, जैसे बच्चों को स्कूल आना जाना बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, तो छोड़ने जाना पड़ता होगा फिर? हाँ। तो बहुत होती है साहब, यहाँ की बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर यहाँ दवा करने तक नहीं आने को तैयार होते। तो दादा, इसमें इधर तो एम्बुलेंस आना भी निश्चित नहीं हो पाता होगा? हाँ साहब, पैदल नहीं आ सकते, पानी भरा रहा था, बोदा भरा रहा था। अच्छा, इससे पहले किसी से आप मतलब कहा है खरीदने और मिट्टी के लिए? साहब, जो पहले के प्रधान थे उन लोगों से कहा गया है। तमाम परेशानी, जब लड़का स्कूल आवत जाए को गिर जाए तो को के बाप माता भी छोड़े आवत है। जी जी। तो इसके पहले किसी से आप कह चुके इस बारे में? हाँ जी। किससे कहा है? प्रधान जी से। अच्छा, अभी तक कोई निवारण मिला नहीं? कुछ नहीं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बलवंत हमसे जुड़ेंगे। बलवंत, जल भराव की समस्या का मामला सामने आया है जिससे स्कूली बच्चे समेत तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बलवंत, आपको आवाज आ रही है हमारी? चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए प्राइम टीवी।